राहुल अटेन वेलकमिंग ऑल टू यूट्यूब। सो आज मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले ही Redmi नोट 7 प्रो खरीदा था और 10-15 दिन यूज के बाद ही इसमें एक प्रॉब्लम सामने आ गई है कि मैं नॉर्मली अभी कुछ टाइम पहले मैं गाने सुन रहा था और फिर गाने सुनने के बाद मैंने इसमें जो हेडफोन लगाया था मैंने वो हेडफोन निकाला तो फिर वो जो हेडफोन निकाला तो उसका जो हेडफोन का जो साइन होता है ऊपर में वो रह गया था, वो जा नहीं रहा था। फिर उससे क्या इश्यू थी कि जो भी गाना या कुछ भी बज रहा था, कॉल आ रहा था, वो हेडफोन में सुनाई दे रहा था, लाउड स्पीकर पे नहीं सुनाई दे पा रहा था। तो ये पता नहीं कैसे हो गया, ये मे भी कोई सॉफ्टवेयर का इश्यू है। तो इसको मैंने कुछ ट्राई किए, टेक्निक्स यूज किए, तो उसके बाद इसको रिजोल्व कर दिया मैंने अभी। तो फिर मैंने सोचा कि आपको इसके सामने क्यों ना रखा जाए, ताकि ऐसे मेरे साथ हुआ है, ऐसे दूसरे के साथ भी हो सकता है, जिसने अभी नया नया फोन लिया है उसके साथ भी हो सकता है। तो आइए मैं बताता हूँ कि आगे मैंने क्या क्या किया। ये जो टेक्निक है बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। जब ईयरफोन लगाने के बाद, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ईयरफोन लगाने के बाद उसको निकाला मैंने और निकालने के बाद जो सिंबल है ईयरफोन का वो जा नहीं रहा है निकालने डालने के बाद भी, तो उसे आप एक सिंपल से टेक्निक से आप उसको हटा सकते हैं। जो कि मैंने यूज किया, मैंने क्या किया कि अपना जो फोन है उसके सारे एप्लीकेशंस क्लियर कर दिए और फोन को स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के 5 मिनट के बाद उसे वापस ऑन किया तो वो हट गया सिंबल। ऐसा बहुत टाइम के लाइक बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा कि वो सिंबल है जो ईयरफोन का वो जा नहीं रहा है, बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं उनसे हो नहीं पाता। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो कि मैंने यूज किया और इससे रिजॉल्व हो गया। जो दूसरी टेक्निक है उससे आपको क्या करना है कि आपने फोन स्विच ऑफ किया, फिर फोन स्विच ऑफ करने के बाद आपको एक दो बार ईयरफोन प्लग इन प्लग आउट करना है स्विच ऑफ फोन के अंदर ही, उसके बाद आपको स्विच ऑन करना है अपना सेलफोन, शायद इससे भी ठीक हो जाएगा आपका जो प्रॉब्लम है। और मैं बोलता हूँ कि और तीसरा उपाय है कि ये जो ईयरफोन का जैक आप देख सकते हैं, जो जैक है ये जैक आपको साफ करना है, ऐसे साफ करके आपको जैक जो आपका 3.5 mm का जैक है हेडफोन आउटपुट है उसके अंदर 2-4 बार ऐसे आराम से डालना है निकालना है और इसको डाल के उसको रोटेट कर लीजिए एक बार दो बार। तो इससे भी क्या होता है कि इसमें जो कार्बन या कचरे लगे रहते हैं वो आपके आउटपुट पे अटक जाते हैं, इसके वजह से भी वो सिंबल जाता नहीं है कभी कभी, ये भी एक रीजन हो सकता है। और चौथा रीजन है कि अगर आप अपना जो आउटपुट है मोबाइल का जहां से आप ईयरफोन लगाते हैं निकालते हैं उसके अंदर भी कचरा हो सकता है, तो उसके अंदर आप हल्की सी फूंक मारिए, ज्यादा जोर से फूंक नहीं मारना, हल्की सी फूंक मारिए और हो सकता है तो एक ब्रश लेके हल्का सा उसे क्लीन करने को ट्राई करिए। वो क्लीन करने से आपको शायद तक वो ठीक हो जाएगा। ये थोड़े से टेक्निक्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ये इश्यू है। और फिफ्थ टेक्निक है ये कि आप म्यूजिक प्लेयर खोलिए अपने मोबाइल का, म्यूजिक प्लेयर खोलने के बाद ईयरफोन लगाइए और कोई भी गाना बजाइए उसमें। म्यूजिक प्लेयर खोलने के बाद वहां पे राइट हैंड साइड पे ऊपर टॉप में 3 डॉट्स होंगे जो कि सेटिंग के डॉट्स है, वो सेटिंग पे क्लिक करके आपको हेडफोन और इक्वलाइजर की सेटिंग में जाना है। उसमें जाने के बाद आपको जो उसमें बहुत सारे ईयरफोन के ऑप्शन है वो आपको एक एक करके सिलेक्ट करना है, एक ईयरफोन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे जनरल इन ईयर है, जैसे बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ ईयरफोन के सिंबल्स होंगे आपको अलग अलग सिलेक्ट करना है। एक सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका ईयरफोन निकाल के चेक करना है कि वो चले गया या नहीं, अगर नहीं गया तो उसे दोबारा लगाना है और दोबारा लगाने के बाद उसे वापस दूसरा सिलेक्ट करना है। अगर दूसरा सिलेक्ट करने के बाद भी ऐसा आपका नहीं गया तो आप तीसरा सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ये कुछ टेक्निक्स है जो आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे बेस्ट वे था कि जो पहला वाला था जो मैंने स्विच ऑफ करके ऑन किया, आप बेसिकली कुछ मत करिए, टेंशन नहीं लेना। अगर आपका मोबाइल न्यू है तो आपको क्या करना है, बेसिकली सारे एप्स क्लियर करने हैं, आपका मोबाइल स्विच ऑफ करना है, पेशेंटली 5 मिनट रुक जाइए, उसके बाद आप मोबाइल चालू करिए, इससे शायद तक हट जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपको सेटिंग्स में, जो कि एम आई मोबाइल का सेटिंग्स है, उसमें सेटिंग्स में जाके जो भी उनका फीडबैक का एक ऑप्शन होता है, एक फीडबैक का ऑप्शन होता है, वहां पे सबसे नीचे जाके वहां पे फीडबैक में जाना और उनको इश्यू अपना ईमेल कर देना। आप जैसे भी जो भी आपका हेडफोन का इश्यू वहां पे नीचे लिख के, हेडफोन इश्यू, कैमरा इशू, जो भी आपका इशू है वो इशू लिख के आप ईमेल कर दोगे तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट आता है उनकी तरफ से, उसमें वो रिजॉल्व कर देते हैं। सो ये था एक छोटा सा वीडियो मेरा, जैसे हम वो सिंबल ईयरफोन का सिंबल हटाए वहां से विदाउट ईयरफोन लगाए भी वो रह जाता था। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको दूसरी कुछ टेक्निक्स पता है वो भी मुझे बताइएगा। अगर आप इससे संतुष्ट हुए, खुश हुए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और किसी को ऐसी इश्यूज है तो उसे जरूर शेयर करिए वीडियो, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, इससे मेरे नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे और आप हमारे चैनल पे ऐसे ही प्यार बसाते रहेंगे।